नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एमबीपीएससी विद के। आज है 8 सितंबर 2021। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 8 के साथ साथ 7 तारीख का भी करंट अफेयर। 7 तारीख को वीडियो क्यों नहीं आया था, यह सभी क्वेश्चन आप लोगों के मन में होंगे। आप लोग मेरी वॉइस में अंतर भी समझ सकते हैं दोस्तों। मेरा स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण मुझे बार बार कॉफ आ रहा था, इसलिए इस कारण से मैं वीडियो बनाने में असमर्थ था। इसके लिए क्षमा चाहूँगा आप सभी लोगों से। और आज का यह वीडियो भी मैं आप लोगों का थोड़ा छोटा हो सकता है यह वीडियो, क्योंकि अगर मुझे अधिक बात करने में दिक्कत होती है तो फिर मैं इस वीडियो को छोटा ही रखने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो आप सभी लोगों से दोबारा से मैं क्षमा चाहूंगा। यह वीडियो केवल इसलिए है कि मैं आपको 7 जो सितंबर के आपका करंट अफेयर छूटा है उसको और 8 को अभी आपको कवर करा दूं। बाकी जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को बताता था वह आज के इस करंट अफेयर में मैं शायद नहीं बता पाऊंगा, तो उसके लिए आप सभी लोगों से क्षमा चाहूंगा। इस लेक्चर की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आज का छोटा होगा तो बिल्कुल भी परेशानी की कोई बात नहीं है, और जैसे ही मेरा स्वास्थ्य ठीक होता है, मुझे बोलने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, तो मैं इजीली आप लोगों को नेक्स्ट डे से हम लोग रेगुलर चालू कर देंगे। तो देखते हैं, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के रूप में अधिसूचित किस टाइगर रिजर्व को किया गया है। तो चलिए फटाफट देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। मध्य प्रदेश में अब तक 1.27 लाख बाढ़ प्रभावित नागरिकों को कितने करोड़ रुपए की राहत राशि का वितरण किया गया है। तो यहां पर सबसे पहला डाटा आपको मिलता है कि 1.27 लाख पीपल इफेक्टेड विद फ्लड स्पेशली इन मध्य प्रदेश। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 109.79 करोड़ दोस्तों दिए गए हैं। तो देखते हैं, प्रदेश में अब तक 1.27 लाख बाढ़ प्रभावित नागरिकों को 109.79 करोड़ रुपए की राहत राशि का वितरण मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा किया गया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो लेट बिगिन ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के में किस माह तक 100% पात्र लोगों को प्रथम डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने आपको बताया था कोरोना वैक्सीन के लिए काफ़ी बड़े स्तर पर गवर्नमेंट द्वारा बढ़ चढ़कर इसमें मुहिम को बढ़ाया जा रहा है, और इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि कब तक 100% प्रथम डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है मध्य प्रदेश में। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है, सितंबर माह, अक्टूबर माह या फिर नवंबर माह। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, सितंबर माह। याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, सितंबर माह तक मध्य प्रदेश में प्रथम डोज लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। देखते हैं, मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 4 करोड़ पार, सितंबर माह तक 100% पात्र लोगों को प्रथम डोज का लक्ष्य, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के रूप में अधिसूचित किस टाइगर रिजर्व को किया गया है। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपका राइट आंसर है दोस्तों कान्हा टाइगर रिजर्व। काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह टाइगर रिजर्व है, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैं एक्सटर्नल फैक्ट काफ़ी अधिक हो सकते थे परंतु मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे बार बार कॉफ आ रहा है, तो जिस कारण से मैं आपको केवल करंट अफेयर ही यहाँ पर कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कान्हा टाइगर रिजर्व है दोस्तों इसके अंतर्गत, तो आपको याद रखना है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के रूप में किसे अधिसूचित किया गया है, कान्हा टाइगर रिजर्व को, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, तो यह भी आपको याद रखना है। सैटेलाइट मिनी फॉर फैन अभ्यारण कहाँ पर है, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सैटेलाइट मिनी फॉर कोर फैन अभ्यारण कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मंडला में है ये, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, मंडला में ही दोस्तों आपका कान्हा टाइगर रिजर्व है। श्रवण ताल किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है, तो यह भी आपको काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। अभी नए ये कुछ स्थान बने हैं तो इनको आपको याद रखना ही होगा दोस्तों, करंट से ही संबंधित है, और इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जा सकते हैं। जितने भी मैं स्थान बता रहा हूँ दोस्तों, यह आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे अभी की डेट में, चाहे आपके पास मध्य प्रदेश की कोई भी बुक हो, यू कैन गो एंड चेक इन दिस बुक। अगर आपको यह सब कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत यह इस तरीके के पर्यटक स्थल अगर आपको मिलते हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, यह आपको मिल ही नहीं सकते। तो देखते हैं, यह करंट से संबंधित है। वन्य जीवों की प्रचुरता और जैव विविधता के लिए मशहूर कान्हा नेशनल पार्क, इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। मंडला और बालाघाट जिले की सीमा पर यह लगता है, दिस इज अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 940 से 1134 वर्ग किलोमीटर में है ये दोस्तों, 91,743 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के रूप में अधिसूचित है। इसके अलावा कान्हा टाइगर रिजर्व के अधीन एक वन्य अभ्यारण्य भी किया गया, जिसे सैटेलाइट मिनी फोर फैन अभ्यारण्य के रूप में कहा गया है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर 118 बाघ, 146 तेंदुए, अनेक वन्य जीव मौजूद हैं। श्रवण ताल यहाँ पर काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से दशरथ जो थे राम जी के पिताजी, उनके द्वारा श्रवण कुमार की मृत्यु इसी स्थान पर माना जाता है, तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। यह कहाँ पर है श्रवण ताल, यह वहीं पर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केसली मैदान चुपके मैदान कहाँ पर है दोस्तों, यहीं पर है, यह प्रवेश द्वार है इस राष्ट्रीय उद्यान का, तो इसको भी आपको याद रखना है। यहाँ के इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, कौन कौन से स्थान यहाँ पर है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि MPPSC में इसी तरीके के छुपे हुए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि बुक में नहीं है, तो इसी तरीके के है इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो उनको नोट कर लीजिए फटाफट। डिंग डोला यहाँ पर है, कान्हा मैदान भी यहाँ पर है, कान्हा एनीकट है, चुरहरी है, वारहसिंगा फेंसिंग है, बिशनपुरा है दोस्तों, सोडर और सोडर तालाब भी यहाँ पर है, घोरे
अम्ब्रेला भी यहाँ पर है, लप्सी कवर भी यहाँ पर है। तो यह सब कुछ यहाँ के इंपॉर्टेंट थे और यह आपका आज का क्वेश्चन है। दोबारा से आप लोगों से क्षमा चाहूँगा, आज का मैं जो मैं स्ट्रेटेजी ऐसा आपको कवर करता था वह नहीं कर पाया, तो लगभग हमारा वीडियो 50% समय में हो गया क्योंकि मैं मुझे बोलने में काफ़ी अधिक दिक्कत हो रही थी दोस्तों, तो इसी कारण से और आप लोगों का पीछे ना छूटे इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया दोस्तों। तो अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आप लोगों के जो आंसर हैं उनको भी जरूर दीजिए दोस्तों। और जैसे ही मेरा स्वास्थ्य ठीक होता है, आई अगेन कम, अगर आपको बीच में इसके बाद एक आध वीडियो नहीं आता है तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, इसके बाद मैं कंटिन्यू कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, इस लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लीजिएगा। धन्यवाद।